नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मैं चंदन तिन्ना मित्रा कंपनी की तरफ से आज मैं आपको मित्रा कंपनी की 2000 लीटर मशीन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मित्रा कंपनी की 2000 लीटर मशीन, इसको चलाने के लिए 45 या अबव ट्रैक्टर चाहिए। तो इसके बारे में बता दूँ, सबसे पहले तो हम पीटीओ शाफ्ट के बारे में बताना चाहते हैं। हम इसके अंदर वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट यूज़ करते हैं। वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण जो है, जब हम अपने बगीचे के अंदर कहीं रो ख़त्म होने के बाद टर्निंग करते हैं तो हम आम तौर पे अपनी जो मशीन यूज़ करते हैं तो पीटीओ शाफ्ट को बंद कर देते हैं। इस वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट यूज़ करने का फ़ायदा ये है, जब हम अपने बगीचे के अंदर टर्निंग करेंगे तब हमें अपनी पीटीओ शाफ्ट बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी चेन कपलिंग के बारे में। तो चेन कपलिंग का सर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे ही ट्रैक्टर के तरफ से मशीन को कोई भी शॉक्स और जर्क्स आते हैं तो मशीन को डैमेज होने का काफ़ी ख़तरा रहता है। चेन कपलिंग यूज़ करने का कारण ये है कि ये ट्रैक्टर से आने वाले कोई भी शॉक्स या जर्क्स उनको मशीन को डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पंप के बारे में। हम इसके अंदर 75 LPM का डायाफ्राम पंप यूज़ कर रहे हैं। डायाफ्राम पंप यूज़ करने का फ़ायदा ये है, जैसे आपने देखा होगा STP पंप में होता है, वहाँ पर एक स्ट्रेट फ्लो होता है, डायाफ्राम पंप का एक कंटिन्यूस फ्लो है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा हमारे टैंक के बारे में। हम यहाँ पर HDPE का टैंक यूज़ कर रहे हैं। HDPE का मीनिंग हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन मटेरियल। इस टैंक का फ़ायदा ये है कि जैसे हम इसके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह डालते हैं तो इसके अंदर केमिकल का रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज ये अंदर से एंटी कोटिंग है। अगर मैं टैंक के बाहर की बात करूं, टैंक के बाहर इसके ऊपर मौसम का कोई भी इफेक्ट नहीं है। यहाँ हमने एक पाइप दे रखी है। इस पाइप का फ़ायदा ये है, एक पाइप इस तरफ है, एक पाइप उस तरफ है। जैसे ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा है, उसने ये पता करना है कि टैंक के अंदर पानी कितना बचा है, तो वो इस पाइप के ज़रिए देख सकता है कि पानी का लेवल कितना है। इसको बोलते हैं वाटर इंडिकेटर लेवल। ये दोनों तरफ पाइप है, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि टैंक में कितना पानी बचा है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बास्केट मिक्सचर के बारे में। हम इसमें एक बास्केट मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा कोई पाउडर फॉर्म में केमिकल है, तो पाउडर फॉर्म का क्या है, जैसे हम इसके अंदर डाल देते हैं तो इसको अपने हाथ से या मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप अंदर मिक्स करता है। और इसके अंदर हम एक एजिटेटर यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर की वर्किंग कंडीशन में या मशीन की वर्किंग कंडीशन के अंदर एजिटेटर्स अपना काम करते हैं, दवाई को मिक्स करते रहते हैं। उसका ये हमारी जैसी केमिकल की फर्स्ट बूंद पत्तियों के ऊपर गिरेगी, वैसे ही हमारी बूंद ये लास्ट बूंद इसके ऊपर गिरेगी। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको हमारा मेन पार्ट जो हमारे स्प्रे पंप का है, एयर कन्वेयर सिस्टम। एयर कन्वेयर सिस्टम कैसे है, जैसे इसके अंदर ये हवा साइड से उठाता है, हवा साइड से उठाने के बाद हमारे इसके अंदर हमने एक इनलेट वेंस यूज़ कर रहे हैं। इनलेट वेंस का फ़ायदा ये है कि ये हवा को बराबर करके हमारे बैक वाले जो फैन को तक भेजता है, और बैक वाला फ़ैन क्या करता है, ये हमारी हमने एक इधर साइड में काउंटर फिन्स दे रखी हैं। इन काउंटर फिन्स का फ़ायदा ये है, ये हवा को जो पीछे आ जाती है, हवा को ये नोजल्स तक बराबर पहुंचाता है, और नोजल से बराबर हवा बराबर प्रेशर से स्प्रे बाहर निकलती है। उसके बाद मैं आपको अपने नोजल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये टू वे एडजस्टेबल नोजल्स हैं, आप यहाँ देख सकते हो। एक तरफ जो इसका है होल है 0.8 का है, दूसरी तरफ इसका होल है 1.0 mm का। तो ये टू वे एडजस्टेबल है, ये आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के तौर पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी ये हाइड्रा गन्स के बारे में। हाइड्रा गन्स, मान लो हमारा ये पेड़ काफ़ी हाइट पे है तो ये काफ़ी हाइट तक ऊपर तक मार करती हैं ये हाइड्रा गन्स, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं इसको हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, उस साइड में हमने एक कोक भी दी हुई है। हमारा पीछे वाला जो पार्ट है ये सारा हमने एक स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ है, और ये 712 mm का फ़ैन है, जो ब्लोअर का फ़ैन है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ये फिल्टर्स, ये हमारे लाइन फिल्टर्स हैं। आगे वाले जो हैं हमारे एक सेक्शन फिल्टर्स हैं। लाइन फिल्टर जो कि 80 मैश तक के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको साफ करके पानी आगे साफ भेजते हैं। हमारा जो सक्शन फिल्टर्स हैं वो 50 मैश तक के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको साफ करके पानी आगे साफ भेजते हैं। साफ भेजने के बाद ये हमारी ये फ़ायदा होता है कि नोज़ल से जो पानी या ड्रॉपलेट्स जो बाहर निकलते हैं वो नोज़ल हमारी ना तो चोक होती है और ना ही ब्लॉक होती। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे टायर्स के बारे में। ये हमारे थ्री वे एडजस्टेबल टायर्स हैं।
थ्री वे एडजस्टेबल का मतलब है कि हम ट्रैक विड्थ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी हाइट हम 1.2 ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, और इसको हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा अपने टैंक में रिंसिंग टैंक के बारे में। रिंसिंग टैंक के दो फंक्शंस हैं, एक तो हमारा फंक्शन ये है, जैसे हमारा हम बगीचे में अपने स्प्रे कर रहे हैं, हमारा मेन टैंक में पानी ख़त्म हो गया और हमारी एक या दो रोज़ ही बची हैं। हमारा रिंसिंग टैंक 145 लीटर का टैंक है। मेन टैंक में से पानी ख़त्म होने के बाद हम रिंसिंग टैंक में जो पानी है उसको मेन टैंक में लेके अपना दवाई वगैरह डाल के और उसको हम स्प्रे के तौर पे यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा रिंसिंग टैंक का फ़ायदा ये है, जैसे हम अपने अपनी स्प्रे जो है वो कंप्लीट कर ली, हमने अब अपने मेन टैंक को और नोजल्स को वॉश करना है, ठीक है। ये वॉश करने के काम भी आता है। मेन हमारा जो पार्ट है इसका एक हार्ट है जिसको हम कंट्रोलर बोलते हैं। कंट्रोलर के अंदर हमारे ये प्रेशराइज मीटर है, प्रेशर नोब है और एक हमने इसमें लीवर दिया हुआ है, और ये 5 मोड कंट्रोलर है। इसका जो फर्स्ट मोड है उसको हम बाईपास मोड बोलते हैं। बाईपास मोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पानी है वो कंट्रोलर तक आता है, कंट्रोलर से वापस फिर टैंक तक चला जाता है। दूसरा हमारा मोड है प्रेशराइज मोड, हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका प्रेशर सेट कर सकते हैं। वैसे हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर है 40 बार तक हम इसको प्रेशर कर सकते हैं। वैसे हमारा जो काम है 28, 30, 32 तक हमारे लिए सूटेबल है, हम सफिशेंट है वहाँ तक। तीसरा जो हमारा मोड है वो है एलएच साइड। एलएच साइड का मतलब है कि जब हमने एलएच साइड पे अप्लाई कर दिया, हमारी एलएच साइड की नोजल्स चलेंगी और आरएच की बंद रहेंगी। फोर्थ हमारा मोड है बोथ साइड मोड। बोथ साइड मोड में हमारी राइट और लेफ्ट दोनों साइड की नोजल्स चलेंगी। फिफ्थ हमारा मोड है आरएच साइड। आरएच साइड पे अप्लाई करने के बाद हमारी आरएच साइड की नोजल्स चलेंगी और एलएच की बंद रहेंगी। सो मैंने आपको एरोटेक 2000 लीटर की मशीन के बारे में सारा कुछ टोटली बता चुका हूँ। अपने बगीचे के लिए अगर आप कोई ऐसी मशीन ढूंढ रहे हैं जो प्रॉपर कवरेज करे, 101% कवरेज करे, तो आपके लिए मित्रा कंपनी की मशीन बेस्ट है। जैसे आपके किन्नू के जो फ्रूट है, हमारे इधर जो सिट्रस है हरियाणा में या पंजाब में, उसके लिए मित्रा कंपनी की मशीन सूटेबल है। बिकॉज इसमें हमारी जो पीटो शाफ्ट है नीचे से निकल के डायरेक्ट ये पीछे फैन तक जाती है, जिसके कारण हमारे स्लीपेज जो लॉसेज हैं वो कम है। कम के कारण क्या है, इसके अंदर एनर्जी सेव होती है। सो वीडियो के एंड में मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वैसे मशीन के ऊपर भी हमारा ये एक कस्टमर केयर नंबर दिया होता है, आप इसके ऊपर भी डायल कर सकते हो। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।